ये साबूदाने का पोहा, जिसके लिए हमने टमाटर काट लिया है, बारीक बारीक आलू है, और ये है मटर, ये है भुनी हुई मूंगफली, उसके बाद हमने छिलका उतार दिया है इस मूंगफली का, और ये है भिगोया हुआ साबूदाना जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया है, धनिया का पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, जीरा, राई, करी का पत्ता, और ये नमक, और ये मैगी मसाला। व्रत के लिए नहीं बना रहे, जब ये हमारे व्रत के लिए बनेगा तो ये सब चीजें नहीं पड़ेंगी, सिर्फ मूंगफली और साबूदाना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं, ये हमने इसमें रिफाइंड डाल दिया है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर राई डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और करी का पत्ता। सबसे ज्यादा होने में टाइम आलूओं को लगा, इसलिए सबसे पहले हम आलू डालेंगे इसमें। ऐसे हम धीमी आंच पे भर देंगे। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम टमाटर डालेंगे, थोड़ा धीमी आंच पे होने देंगे। अब हम नमक डाल देंगे इसमें, और अब ये धीमी धीमी आंच पे होता रहेगा। अब इसमें मैगी मसाला मटका डाल देंगे, इससे स्वादिष्ट बहुत लगता है। इसकी जगह अगर हम व्रत वाला बनाएंगे तो इसमें धनिया और मिर्चा और भुना जीरा डालेंगे। देखिए अब ये हमारा खिचड़ी साबूदाने का या साबूदाने का पोहा हो गया है। अब इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता और भुनी हुई मूंगफली। तैयार हमारा साबूदाने का पोहा।